और यहाँ पे जो भी अंबेडकर नगर होते थे, पंचशील नगर होते थे, इनको बहुत खराब बोला जाता था। बोला जाता था यहाँ वहाँ मत जाना, वहाँ मतलब खराब लोग रहते हैं। कैसे हैं आप लोग? आज हम भोपाल में हैं और भोपाल में बहुत शानदार जगह है। बुद्धिज्म से रिलेटेड बुद्ध विहार बहुत सुंदर सुंदर बने हैं, और उसका कारण ये है कि पास में जो है यहाँ पर सांची है, सांची के स्तूप बने हुए हैं जो यूनेस्को की साइट है। इस वजह से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बुद्धिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारे साथ है सुमित। सुमित, अपने बारे में बताओ जरा, क्या करते हो? भैया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स कर रहा हूँ एक्सलेंस कॉलेज में, सेकंड ईयर है। और क्या करते हो, कौन सा चैनल चलाते हो? भारत दस्तक चलाता हूँ, जो पॉलिटिकल न्यूज और पॉलिटिकल खबरें और फैक्ट चेक होते ना, फैक्ट को जो चेक करते हैं उस टाइप की खबरें देता हूँ। तो ये यूट्यूबर हैं, बहुजन यूट्यूबर हैं, भारत दस्तक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, भोपाल में बैठ कर ये काम कर रहे हैं। तो अभी हम बुध विहार जा रहे हैं, उसके बाद लौट कर बात करते हैं। ये वाले बुध विहार कितनी बार आए हो? ये ज्यादा तो नहीं आया हूँ, 10-12 बार आया हूँ ऑफिस लेके, जब भी कोई फंक्शन होता तब आता हूँ यहाँ पर। भोपाल का सबसे सुंदर बुध विहार होगा? हाँ, फेमस फेमस और सुंदर। तो आपको दिखाते हैं बहुत बुध विहार क्यों फेमस और सुंदर है। बिहार पे अगर आप आओगे तो आपको पहले तो पूरे पहाड़ पे एक सीढ़ियाँ बनी, उन पे चढ़ना पड़ेगा। तो आपको दिख रही पीछे बहुत ऊंचाई तक पूरे पहाड़ पे, मुझे लगता है चढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए आप ऊपर चढ़ रहे हो वो देख के आप हैरान रह जाओगे। तो अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि मेरे पीछे कौन बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भोपाल का सबसे सुंदर बुद्ध विहार है इस मूर्ति की वजह से। और इस बुद्ध विहार का नाम क्या है? नहीं, गोल्डन करके कुछ है ना, गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा। हाँ, यहाँ पर जो है ये तोड़ा बुद्ध का स्टैचू लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इस बुद्ध विहार मतलब इस मूर्ति के पीछे जो है यहाँ पर भोपाल की फेमस लेक, कौन सी लेक है ये? तो मनीषा मार्केट की है। नहीं, बोलते क्या बोलते हैं, शाहपुरा, शाहपुरा लेक। हाँ यार, भोपाल रहने वाले तुम्हें नहीं पता यार। ये पीछे जो है शाहपुरा लेक है, और बहुत सुंदर आप इसको दृश्य को देख सकते हो कि पीछे सूरज निकल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, पीछे सूरज निकल रहा है और सामने लेक है। और सुबह के टाइम जो है वो सामने से सूरज निकलता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अभी जो है सूरज डूब रहा है पीछे से, बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और बहुत सुंदर व्यू है सामने। यहाँ से अगर आपको दिखेगा तो वहाँ पर लेक है, दिख ही रहा हो सामने लेक है, ये पूरा जो है वो लेक है। तो कैसा लगा आपको ये बुद्ध विहार, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अभी मैं जा रहा हूँ सुमित के घर पर, और वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से वीडियोस बनाता है। और उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, तो वहाँ जाके जरूर देखिएगा। कोलार का ये न्यू अंबेडकर नगर है, यहाँ पर एक बुद्ध विहार बना हुआ है, सुमित के घर के पास है, तो वो मुझे दिखाने के लिए लाया हुआ है। और अब देखोगे यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब की मूर्ति है। और यहाँ पास में एक अंबेडकर पार्क भी है, यहाँ पे काफ़ी पुराना मूर्ति लगी हुई है, बहुत पुरानी है, 12-13 साल हो गए। तो तुम्हारी कॉलोनी में पता है कि तुम यूट्यूब चैनल चलाते हो? नहीं, बहुत कम लोग, अभी घर वालों को 2-3 दिन पहले पता चला है। अच्छा, 2-3 दिन पहले ही पता चला है। तो यहाँ तो तुम्हें वीडियो देखा हो किसी ना किसी ने? आज सुबह मम्मी को दिखाया था। क्या बोली? कुछ नहीं, ठीक है। ये दोस्त है मेरा। अच्छा, क्या नाम है? परम। तो यहाँ पर एक छोटा सा बाबा साहब का पार्क है, और वहाँ पे एक मूर्ति भी लगी हुई है। ये कितने साल पुरानी होगी ये मूर्ति? इसको 12-13 साल हो गए। तो ये सुमित का छोटा सा स्टूडियो है जहाँ पे वो काम कर रहा है, और अभी 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। और देखो यहाँ पर वो अपना मोबाइल यहाँ लगाता है, ये उसका स्टैंड है,
यहाँ एडिट करते हो? हाँ, यहाँ कंप्यूटर पे एडिट करता हूँ। यहाँ एडिट करते हैं, यहाँ बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। बहुत बढ़िया है, तो तुम्हारे लिए बहुत सही जगह है। मेरे घर पे भी है ना एक ऐसी अलग सी जगह है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मेरा भी इसलिए तो हो पा रहा है। हाँ, अगर तुम है ना घर के अंदर भी कमरा होता ना तो काम नहीं कर पाते। पहले तो शर्म आती है स्टार्टिंग में, तुम बोलते तो सोचते सुन रहे होंगे बाहर वाले, ऐसा होता है। तो मैं तो वही मैं बता रहा था, मैं सुमित से बात करता हुआ आ रहा था कि मैं बहुत साल पहले भोपाल में रहता था यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी अंबेडकर नगर होते थे, पंचशील नगर होते थे, इनको बहुत ख़राब बोला जाता था। बोला जाता था यहाँ वहाँ मत जाना, वहाँ मतलब ख़राब लोग रहते हैं, कुछ लूट लपाट कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पंचशील एक बहुत जो नियम होते हैं बुद्धिज़्म के, उस हिसाब से उसका नाम पंचशील रखा। वैशाली एक शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा महत्व है बुद्धिज़्म का, और अंबेडकर नगर, बाबा साहब अंबेडकर नगर, ये मतलब बहुत ऐसी जगह हैं, यहाँ से क्रांतियाँ शुरू हुई हैं। लोग इनसे डरते हैं क्योंकि अगर ये लोग अगर आगे आ जाएंगे अपना हक मांगेंगे, इस वजह से लोग इनसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा है नहीं है। एक्चुअली में भैया क्या है, जो जयंट होता है, जो प्रदर्शन करते हो, जो विरोध करते हैं ना, वो यहाँ के लोग ही है। जितना भी आरक्षण को बचाने का काम हो, किसी भी चीज़ का काम हो, ये यहीं के लोग करते हैं। बाकी जो आरक्षण लेके जो बड़े पौधे पहुंच गए ना, वो लोग कुछ नहीं करते। मैंने देखा ये चीज, वो बैक सपोर्ट भी नहीं करते। सही बात है, ऐसा होता है। जेल जाना हो, मार खाना, तो यही के लोग ही करते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर कितने, यहाँ पे जो वीर सब लोग शिफ्ट हुए, यहाँ पे यहाँ सब बच्चे जो है पढ़ने लिखने जाते हैं? देखो अभी अभी जो लोग है ना बहुत प्रोग्रेस करने लग गए, क्योंकि पहले जो लोग थे इतने समझदार नहीं थे, पढ़ाई समझते वो नहीं होते थे, पढ़ाई करने जाते। लेकिन अब हमारी जनरेशन है, हम लोग खुद पढ़े हैं, और आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ेगी। यहाँ पर जो बिन्ने लोग जाते हैं ना, पारदियों के बच्चे ना, पारदी का जाता है, मैंने देखा है 5-6 वो लोग भी पढ़ने जाते हैं आजकल। 5-6 बच्चे हैं जिनसे मेरी बातें होती रहती है, और पढ़ने आते हैं, उनको मोटिवेट करता हूँ कि भाई पढ़ो, तो उनके सपने भी अच्छे हैं। वो बोलते हैं कि हम कभी बिन्ने काम नहीं करेंगे और पढ़ाई करेंगे अच्छी। उनमें से एक लड़का जिससे मिला नहीं हूँ, लेकिन उसका जो भाई है, कज़न है, उससे मेरी बात होती है, वो LLB करके वकील बनने की तैयारी की, मतलब लास्ट ईयर में है, वो LLB कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पारदियों के बच्चों को भी एक घर मिल रहा है। तो आपने देखा कि कितनी मेहनत से काम कर रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना, सपोर्ट करना, और लोगों को शेयर भी करना। क्या नाम है चैनल का नाम? भारत दस्तक। सुन लिया ना, भारत दस्तक। चलो सुमित, बाय बाय। और हो सकता है अभी कल पर तो फिर जाऊँ तो। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। ये देखिए सुमित जो है ऊपर है, और यहाँ तक आना थोड़ा कठिन काम है। अगर आप आ रहे हो तो कौन सा स्तूप, नंबर 6, स्तूप नंबर 6 से जो है नीचे आते हैं, और अगर यहाँ पर आ रहे हो तो पूरा मतलब अच्छे जूते हों तो ही आना, क्योंकि यहाँ हर एक पत्थर जो हिल रहा है, और मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम नीचे गए तो ये बहुत गहरा है।